हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशांत भैया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 5, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 5.5 का लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक लाइन चार्ट को, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था ये लाइन चार्ट, इसको हम लोग स्लाइजर के साथ बनाएंगे और ड्रिल अप और ड्रिल डाउन के फंक्शन को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। आप लोग जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक लाइन चार्ट बनाया हुआ है और ये जो लाइन चार्ट आप लोग को दिख रहा है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, पहली बात तो इसे इस तरीके से बनाया नहीं जाता है, ये एक डेटा के विजुलाइजेशन के लिए सही नहीं माना जाता है, ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है जिससे कि आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा में से समझ सको कि एक स्लाइजर को एक फिल्टर की तरह यूज करने के लिए हम लोग इसे यूज करके देख रहे हैं। बस केवल आपको दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है, तो आप इसको रियल जो रिपोर्ट बनाते हैं इस पर यूज नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसी को मैं यहाँ पर, जो आप लोग ये कॉम्प्लेक्स डेटा देख रहे थे, इसी कॉम्प्लेक्स डेटा को मैं यहाँ पर आप लोग को अभी जब सिखा रहा हूँ, तो मैं 2013 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट मंथ पे, मतलब कि 1 जनवरी और 4 जनवरी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1 जनवरी और यहाँ पर 4 जनवरी, इन दोनों के बीच के डेटा को बस देखना होगा। तो यहाँ पे स्लाइजर को मैं एक फिल्टर की तरह यूज करूंगा, ये मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना या सिखाना चाहता हूँ। यूनिट 4 जिसके अंदर मैंने आपको स्लाइजर जो है बनाना सिखाया था, वो यूनिट पहले देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा, जिससे कि आपको समझ में आए। और मैं बार बार हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस यूनिट देख लीजिए, क्योंकि कई सारे फंक्शंस को मैं एक साथ यूज करना सिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसे बनाकर समझते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक साथ ये स्लाइजर को और लाइन चार्ट को क्रिएट करते हैं और ड्रिल अप और ड्रिल डाउन फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पर यूज करके देखेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। ये हमने 5.4 लेक्चर, जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने जो लाइन चार्ट बनाया था इसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, बट इससे पहले हम लोग यहाँ पे जो स्लाइजर है इसे क्रिएट कर लेते हैं। स्लाइजर हमने यूनिट 4 में पढ़े हैं, जिसके कारण मैं आपको इसे फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि स्लाइजर होता क्या है। स्लाइजर पे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और स्लाइजर पे मैंने जो है ऑर्डर डेट की वैल्यू को पुट अप करके यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं, और लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर मैंने डेट की हायरार्की को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ये हमने लास्ट यूनिट में देखा, इसलिए मैं वापस इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पर हमारा लाइन चार्ट जो है इसे क्रिएट करते हैं। अब देखिए, लाइन चार्ट तो हमने बनाना सीख गया था यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ऑर्डर डेट की वैल्यू पुट अप कर दी, फिर वाई एक्सिस के अंदर मैंने यहाँ पर जो है अनदर वैल्यू जो है हमारी सेल्स की जो वैल्यू है इसे मैंने यहाँ पे पुट अप कर दी। अब आपको पता है कि मुझे यहाँ पर जो है एक और थर्ड रेफरेंस के लेजेंड की वैल्यू पुट अप करनी होती है एक्स और वाई के अंदर, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी की वैल्यू जो है वो पुट अप कर दी। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक सा लाइन जो चार्ट है वो बना हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे ड्रिल डाउन का जो बटन है या ड्रिल अप का जो बटन है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट लेवल हायरार्की पे हम लोग जाते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं सेल्स बाय क्वार्टर आप लोग को शो हो रहा है, फिर मैं नेक्स्ट हायरार्की पे जाऊंगा तो मंथ सेल्स के साथ यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, फिर यहाँ सेल्स बाय डे एंड कैटेगरी की वैल्यू पुट अप हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाकर भी मैं अभी आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आप यहाँ पे ड्रिल अप और ड्रिल डाउन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर अपने जो यूजर को या क्लाइंट को काफी कॉम्प्लेक्स डेटा यदि दिखाना है, तो आपको यहाँ पर हायरार्की के थ्रू आपको दिखाने के लिए एक स्लाइजर का भी यहाँ पे ऑप्शन उनको देना होगा, जिसको मैं आप लोग को यहाँ यूज करके बता रहा हूँ। जैसे कि मुझे किसी कॉम्प्लेक्स डेटा में से केवल 2013 का डेटा देखना है, तो आप देख सकते हैं मैं 2013 के अंदर जाऊंगा, अभी आप लोग को मैं इसे दिखा दूं। पहले मैं एक बार कॉम्प्लेक्स कर लेता हूँ, अभी आप लोग को ये डेटा जो है कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जो मैंने अभी डे के अकॉर्डिंग कर दिया, मैंने हायरार्की को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया यहाँ पर। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे जो है स्लाइजर का यूजर्स दिखाऊंगा, मैं और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं ये तो आपको रीड करने में पॉसिबल ही नहीं है, बट इतना कॉम्प्लेक्स डेटा को मुझे दिखाना है। तो मैं 1 जनवरी 2013 की कंपेयर करता हूँ 2014 के फर्स्ट क्वार्टर के 1 और 4 जनवरी को, तो आप देख सकते हैं मैं 1 और 4 जनवरी को यहाँ पे कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अब जो इतना कॉम्प्लेक्स डेटा था इसको रीड करने में मुझे आसानी हो रही है। तो ये मैं आप लोग को यूज करना बस केवल बता रहा हूँ, जिससे कि आप हायरार्की को समझ सको स्लाइजर की, और इसको आप एक लाइन चार्ट के साथ जो है आप कंपेयर करके देख सको। अधिकतर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको रिपोर्ट में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा विजिबल करना या रीड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे लाइन चार्ट और स्लाइजर को एक साथ यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, और आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्रिल के ऑप्शन को भी समझ पाए होंगे। यूनिट 5 के नेक्स्ट लेक्चर 5.6 में हम लोग और भी फीचर्स को देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।